हे गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टेक्नोलॉजी। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस एप्लीकेशन की सहायता से आप जो है अपने फ़ोन का डेटा जो है अप टू 50% तक सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे हम लोगों को तो जो डेली का डेटा मिलता है वो हम लोग का ऐसे जनरली 1.5 GB का डेटा होता है, वो हमारे लिए पर्याप्त डेटा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ऐसे एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसमें नेट का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता हो, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो इस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा एप्लीकेशन है नेट गार्ड। दोस्तों, नेट गार्ड एक एप्लीकेशन ऐसा है जिससे आप लोग अपने मोबाइल के 50% तक के डेटा को आप लोग सेव कर सकते हैं और उसके आपको बाद में यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोगों को अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम लोग को सर्च बार में सर्च करना होगा नेट गार्ड। नेट गार्ड आ जाने के बाद देखिए इस तरह का इसका आपको लोगो मिल जाएगा। यहाँ मैं इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसलिए हमको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ओपन करने का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों को बस सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। नीचे में आप स्क्रॉल करके इसके देख सकते हैं इसके रेटिंग्स और इसके डाउनलोड्स के बारे में और इसके डेवलपर कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। अब एक काम कैसे करता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसको हम लोग यहीं से ओपन करते हैं। जनरली ओपन करने के बाद देखिए ये मेरा नेट गार्ड इज डिसेबल, मतलब कि अभी हमारा नेट गार्ड जो है वो डिसेबल है। हम लोग अगर नेट गार्ड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपके जितने भी आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो सारे एप्लीकेशन इसमें शो करने लगेंगे। और यहाँ से हम लोगों को करना क्या है कि नेट गार्ड को इनेबल कर देना है। तो यहाँ से हम लोग इसको इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद देखिए यहाँ से जो हमारा नेटवर्क का जो सिंबल है वो सारा में कटा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी नेटवर्क है नहीं, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ इसलिए। और वाईफाई में सारे का सिंबल ग्रीन शो कर रहे हैं, आप लोग स्क्रॉल करके नीचे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर काम करता कैसे है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने फ़ोन में जो है मोबाइल डेटा को यूज करते हैं तो आपके फ़ोन में जितने भी अवेलेबल एप्लीकेशन हैं वो डेटा यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है और वो सारे का बैकग्राउंड डेटा यूजेज को बंद कर देता है, इससे कि आपका डाटा जो है मोबाइल डेटा वो सेव हो जाता है। या आप वाईफाई भी यूज करते हैं तो आपका जो डेटा है वो कम खपत होता है। तो हम लोग को करना क्या है, जैसे जिस एप्लीकेशन को हम लोगों को यूज करना है सिर्फ उसी का हम लोग डेटा ऑन रखेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे। जैसे हम लोग का देखिए, जैसे ये पहला वाला एप्लीकेशन है इसको हम लोग ऑफ कर दिए। एक बार नीचे में हम लोगों को अमेजन का शो कर रहा है, इसको हम लोग ऑन रहने देते हैं, उसको हम लोग चला करके देख लेते हैं। बाकी सारे हम जैसे अभी हम सारे हम लोग ऑफ कर देते हैं, मतलब कि मेरा किसी पे भी काम नहीं करेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन थे उसका सारे में डेटा यूजेज को बंद कर रखा हूँ। जैसे ऊपर से आप लोग देख सकते हैं, नीचे मैं हम स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। यहाँ से देखिए मेरा टोटल जो है यहाँ से ऑफ हो चुका है। तो इस समय अब मेरा जो डेटा का यूजेज है वो किसी भी एप्लीकेशन हम लोगों का यूज नहीं करेगा हमारा डेटा। जैसे हम लोग इसको बैक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे देखिए व्हाट्सएप पे भी हम लोग इसको जो है कोई अभी एप्लीकेशन मतलब मैसेज वगैरह नहीं आएगा। या हम लोग टेलीग्राम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए टेलीग्राम दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें बिना नेट मोबाइल डेटा का आप इसमें किसी भी मैसेज वगैरह को आता है उसको हम लोग शो नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कनेक्टिंग शो कर रहा है, मतलब कि इसके पास अभी नेट मोबाइल इंटरनेट इसके लिए ऑन नहीं है। जैसे मैं लोग
मैं पहले से वहाँ से ऑफ कर रखा हूँ, और अगर हम वहाँ से इंस्टॉल सॉरी अगर जब तक मैं वहाँ से उसको ऑन नहीं करूँगा कि टेलीग्राम के लिए हमको नेटवर्क मोबाइल डेटा यूज करना है या वाईफाई के डेटा यूज करना है, तो तब तक हमारा कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग वहाँ से कनेक्ट करते हैं, ऑन कर देते हैं। इसके लिए जैसे देखिए टेलीग्राम के लिए हम यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं। अब इसको हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से हमारा देखिए ये जो है अपडेटिंग होकर के टेलीग्राम ऑन हो गया। यहाँ जितने भी मैसेजेस मेरे पास थे वो सब सारे शो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम जो एक है ये एक सर्च इंजन की तरह काम करता है और एक मैसेजिंग एप्लीकेशन भी है, और इसके जो फीचर्स हैं बहुत ही बढ़िया है। इसका मैंने वीडियो पहले से बना रखा हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको ऑफ़ करके किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारा काम नहीं करेगा। अभी भी मेरा जितना भी एप्लीकेशन है वो सारे के लिए मैंने डेटा यूजेज को ऑफ़ कर रखा हूँ। जैसे हम लोग यूट्यूब को ऑन करके देखते हैं, तो चलिए हम लोग यूट्यूब ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हम लोगों का जो है यूट्यूब वो ऑन नहीं हो रहा है, या फिर मैं किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करूँगा तो वो ओपन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा जो है नेट कनेक्ट नहीं है। तो ठीक है, हम लोग जैसे इसको ओपन करते हैं, हो गया है। यहाँ हम लोग कुछ सर्च करते हैं, जैसे गूगल ही हम सर्च करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा मेरा में आप लोग देख सकते हैं ऊपर में वाईफाई से जो है नेट चल रहा है, लेकिन ये ओपन नहीं होगा क्योंकि वहाँ से मैंने इसको ऑफ़ कर रखा हूँ। तो दोस्तों यह एप्लीकेशन जो है काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है हर सभी के लिए। इससे जो है आपका काफ़ी मात्रा में डेटा बच जाता है और उसको आप लोग किसी दूसरे जगह मतलब दूसरे एप्लीकेशन पे, या आप लोग कोई भी मूवीज़ देखते हैं या आप लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसके लिए उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे में इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और वैसे तो प्ले स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल हो, वहाँ से भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है हमको कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।